हमारा एजुकेशन सिस्टम ये जो मैकाले वाला चल रहा है ये बदल दिया जाए, ये ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा फिर से वही वैदिक शिक्षा व्यवस्था, वही गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वही वेद पुराणों का अध्ययन, रामायण गीता का अध्ययन प्राइमरी में ही शुरू कर दिया जाए। हमने छठवीं में जाके ए फॉर एप्पल पढ़ा था, पांचवीं तक ए का मतलब कैसा होता, ए कैसा लिखा जाता मुझे नहीं पता था। आज की डेट में मुझे लगता है स्कूल जाने में, स्कूल तो जाना छोड़ दीजिए, दो साल ढाई साल के बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाना शुरू कर देते। अगर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था न भ्रष्टाचार रोक पा रही है, न अपराध रोक पा रही है, न बलात्कार रोक पा रही है, न घूसखोरी रोक पा रही है, न जमाखोरी रोक पा रही है, न मिलावटखोरी रोक पा रही है, न कब्जा रोक पा रही है, न माफिया राज रोक पा रही है, न दबंगई रोक पा रही है, न पिता और पुत्र के बीच में अच्छा प्यार स्नेह पैदा कर पा रही है, न भाई भाई के बीच में प्रेम पैदा कर पा रही है, न बेटे बहू के बीच में अच्छा प्रेम पैदा कर पा रही है, तो काय का एजुकेशन सिस्टम? इससे तो बढ़िया हमारा वाला था जो पहले था, जो प्री कॉलोनियल सिस्टम था हमारा ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर हम वास्तव में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, संविधान की भावनाओं के अनुसार सबको समान अवसर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करना चाहिए। समान शिक्षा का मतलब क्या? आप 555 मॉडल एजुकेशन लागू करिए। 555 मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितने हो गए? 15 साल। वर्तमान व्यवस्था कैसी है? 5 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 4 साल सेकेंडरी, 3 साल ग्रेजुएशन, टोटल कितने हो गए? 15 साल। तो यानी कोई बदलाव भी नहीं आया, 15 का 15 ही है। आज भी बच्चा ग्रेजुएशन 15 साल के बाद करता है, 5 साल प्राइमरी पढ़ता है, जूनियर करता है छठवीं से लेकर 8वीं तक, फिर 9वीं से लेकर 12वीं सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितना हो गया? 15। लेकिन इस 15 साल की शिक्षा व्यवस्था के बाद भी वो निकल रहा है तो डॉक्टर बन रहा है तो किडनी निकाल रहा है, थानेदार बन रहा है वसूली कर रहा है, जज बन रहा है पैसा लेके जमानत दे रहा है, सारे अत्याचार कर रहा है। और आज की डेट में तो मैं तो अधिवक्ता हूं, आज की डेट में अच्छा अधिवक्ता उसको माना जाता है जो बड़े से बड़े बलात्कारी को बचा ले, जितने बड़े गुंडे को बचाए, जितने बड़े माफिया को बचाए, जितने बड़े स्मगलर को बचा ले, वो जितना अच्छा वकील। सोचिए जरा, मतलब जितने घटिया चीज को वो डिफेंड कर ले वो उतना बड़ा वकील। बलात्कारी को फांसी देने वाला अच्छा वकील नहीं कहलाता, बलात्कारी को निर्दोष साबित करवाने वाला अच्छा वकील कहलाता। ये कल्चर हो गया, ये संस्कार हो गया। तो सरकारों की ड्यूटी है वो अपराध कम करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वर्तमान मैकाले सिस्टम के रहते हुए भारत में अपराध कम करना नामुमकिन है। सरकारों की ड्यूटी है घूसखोरी बंद करवाएं, जमाखोरी बंद करवाएं, मिलावटखोरी कम कराएं, कालाबाजारी कम कराएं, नशा तस्करी कम कराएं, मानव तस्करी कम कराएं, जितने भी भ्रष्टाचार अपराध और भी अलग तरीके उनको रोकवाएं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के रहते हुए वो असंभव है, संस्कार ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये, जैसा मैंने पहले एक इंडिकेट किया था कि बबूर के रहते हुए आम तो पैदा होना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मदरसे चल रहे हैं तो आप गुरुकुल खोल दीजिए। मेरा यह मानना है बबूल का इलाज आम नहीं होता। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मदरसे खोलने से, मदरसों के बराबर गुरुकुल खोल देने से हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि गुरुकुल जाने वाला तो चींटी को भी नहीं मारेगा, गुरुकुल जाने वाला तो सुबह से हवन करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो समाधान क्या हुआ? मदरसा बंद किया जाए, भारत में पुरानी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए।
और संविधान इसको कहता भी है भाई, आज की रेट में अगर आप संवैधानिक तरीके से देखिए, आज की रेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? अगर आज की रेट में सबको समान अवसर मिलता तो बिना कोचिंग के लोग आईआईटी क्यों नहीं कर पा रहे? बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ने में हो, बिना कोचिंग किए ना आईआईटी कर सकता है, ना एमबीबीएस में जा सकता है, ना एनडीए में जा सकता है, ना क्लैट क्वालिफाई कर सकता है, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं का अपना 5 लाख करोड़ का साल का धंधा है, उन्होंने सिस्टम, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। भारत में कोचिंग का बिजनेस पर ईयर 5 लाख करोड़ का है। इन कोचिंग माफियाओं ने पूरे सारे प्रदेश और देश के शिक्षा व्यवस्था को हाईजैक किया हुआ है। वो तय करते हैं क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, और वो ये भी तय करते हैं कि जो पढ़ाया जाए वो इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम में पूछा ना जाए, क्योंकि अगर वही पूछा जाएगा तो लोग कोचिंग क्यों करेंगे? जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो समान अवसर तब मिलेगा जब इस हॉल में बैठे हुए सबके बच्चों की किताब एक होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब सिरोही के बच्चे की किताब और जयपुर के बच्चे की किताब एक होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब सिरोही के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब एक होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब केंद्रीय विद्यालय की किताब, गुरुकुल की किताब, सरस्वती शिशु मंदिर की किताब, राजकीय इंटर कॉलेज की किताब, डीपीएस की किताब, सेंट मेरी की किताब, सेंट थॉमस की किताब एक होगी। तब मिलेगा समान अवसर। समान अवसर तब मिलेगा जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय दलित वैश्य सबके बच्चे की एक किताब होगी। सब समान अवसर तब मिलेगा जब मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब एक होगी, और तब वास्तव में राम राज्य भी आएगा। तब आएगा सब नर करें परस्पर प्रीति। अभी परस्पर प्रीति असंभव है। अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्लास क्रिएट कर रही है, ये लोअर इनकम ग्रुप, ये मिडिल इनकम ग्रुप, ये हायर इनकम ग्रुप, ये एलिट क्लास। और पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में रामराज्य के ऊपर चर्चा हो रही है, हमारे विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में कभी रामराज्य पे चर्चा ही नहीं होती। भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े थे कि नहीं, जरा जोर से बताइए। एक साथ पढ़े थे। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत, राजा दशरथ क्षत्रिय थे, सुमंत जी नाविक थे, नाविक के बेटे थे, लेकिन दोनों एक साथ पढ़े थे। तो अगर उस जमाने में राजा और रंक एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ सकता है, उस जमाने में भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़ सकते हैं, तो आज तो हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान श्री राम है, और जब ये संविधान बना था इसलिए संविधान के पहले पन्ने पे, अब तो नहीं दिख रहा है, सबसे पहले पन्ने पे राम दरबार था। राम लक्ष्मण सीता जी, बगल में हनुमान जी बैठे हुए, पूरा राम दरबार था पहले पन्ने पे, क्योंकि संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि हम भारत में राम राज्य की स्थापना करें। हालांकि बहुत सारे सेकुलर थे, उनको जो विदेश से पढ़ के आए थे उनका कुछ अलग मर्जी थी, लेकिन ज़्यादातर संविधान सभा में जो भारत के लोग रहने वाले थे, भारत से पढ़े हुए थे, उनका ये कहना था कि भारत में हम समान, भारत में हम राम राज्य स्थापित करेंगे, और ये संभव है। एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जानते हैं आप लोग, RTE बोलते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून। उस RTE को थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, उसमें केवल एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या बन जाएगा वो? राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। यानी इक्वल कौन जोड़ सकता है? पार्लियामेंट।
तो पार्लियामेंट राइट टू एजुकेशन बना सकता है, तो पार्लियामेंट राइट टू इक्वल एजुकेशन बना सकता है। अगर भारत में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है। करना कुछ नहीं है। जैसे जीएसटी सिस्टम चल रहा है ना, जीएसटी सिस्टम कैसे चलता है, केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। ऐसे एक एजुकेशन काउंसिल बना दिया जाए, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे, एक एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, एक फिजिक्स एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, एक मैथ की बन जाएगी, एक जूलॉजी की बन जाएगी, एक बॉटनी की बन जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आप एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए। वो एक्सपर्ट कमेटी पूरे राज्य सभी राज्यों के सिलेबस को देख लेगी। मान लीजिए 9वीं का हमें किताब बनाना है, 9th की, तो ठीक है वो 9th की किताब राजस्थान की भी देखेगी, केरल की भी देखेगी, कर्नाटक के भी देखेगी, तमिलनाडु की देखेगी, सब जगह के देखेगी। जो 30-40 चैप्टर पढ़ाना है या 50 चैप्टर पढ़ाना है वो एक डिसाइड कर देगी। अब उसको क्या करना है, राजस्थान वाले हिंदी में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस तो एक हो सकता है कि नहीं? फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। केमिस्ट्री का एक हो सकता कि नहीं? जूलॉजी का, बॉटनी का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, अरे सबका हो सकता है। केवल लोकल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए राज्य को दे दीजिए, 10 किताब में 7 किताब नेशनल लेवल पे हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, 3 किताब आप राज्यों पे दे दीजिए। राजस्थान वाले अपनी हिस्ट्री पढ़ा लें, गुजरात वाले अपनी हिस्ट्री पढ़ा लें, बंगाल वाले अपनी हिस्ट्री पढ़ा लें। ज्योग्राफी भी आप राज्यों को दे दीजिए, राजस्थान वाले अपनी ज्योग्राफी पढ़ाएं, बंगाल वाले अपनी ज्योग्राफी पढ़ाएं, तमिलनाडु वाले अपनी ज्योग्राफी पढ़ाएं, लेकिन अपनी अपनी मातृभाषा में सब पढ़ा सकते हैं और कॉमन भी हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा। ये जो स्कूल माफिया लूट रहे हैं, जो कोचिंग माफिया लूट रहे हैं, जो किताब माफिया लूट रहे हैं, उस लूट से भी लोगों को आराम मिल जाएगा। अब बात आई प्राइमरी। इस देश में जब जिम नहीं था तो क्या पहलवान नहीं पैदा होते थे क्या? बोले जरा। अरे जिम तो 100 साल पहले आया ना, हमें लंदन वालों को देख के, अमेरिका वालों को देख के। उसके पहले यहां क्या पहलवान नहीं पैदा होते थे क्या? ज्यादा अच्छे पैदा होते थे। यह वीरों की धरती है, यहां पे कोई राजा जिम नहीं गया था, ना महाराणा प्रताप जिम गए थे, ना पृथ्वीराज जिम गए थे। सब जो भारतीय सिस्टम था वही यूज करते थे, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, अखाड़े में कुश्ती लड़ना। तो हमारा सिस्टम इतना तगड़ा था, जब तक हमने भारतीय सिस्टम को अडॉप्ट किया, हमारे यहां बड़े बड़े रणबांकुरे पैदा हुए। जैसे हमने जिम जाना शुरू कर दिया, सब खत्म हो गए। ऐसे ही जब तक हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को रखा, तब तक यहां पे आचार्य सुश्रुत पतंजलि एक से बढ़कर एक दिग्गज महापुरुष पैदा हुए। जैसे ही हमने कॉलोनियल सिस्टम को लागू कर लिया, सारे खत्म हो गए। आप हमारे पूर्वज जहां तक गए थे, उस समय जैसा किला आपके आज राजस्थान में है, जोधपुर में है, सिरोही में है, जयपुर में है, ऐसा किला आज की डेट में जब इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, बन सकता है क्या? जो किले हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले बना दिए, 300 साल पहले बना दिए, 400 साल पहले बना दिए, उनको देखने के बाद लगता है कैसे बनाया, कैसे होगा। तो इसका मतलब हमारा आर्किटेक्चर सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे जैसे हमारे यहाँ रणबांकुरे हुए, राणा सांगा जैसे महारथी हुए, आज के डेट में तो कोई नहीं निकल रहा है। इसका मतलब हमारा फिजिकल एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई क्लास का था। जितने बड़े दानवीर हमारे भारत में पहले हुए, उतने आज तो नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा पहले गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छा था। तो हम ये कह रहे हैं, ये प्राइमरी में दुनिया भर की किताब क्यों पढ़ाते भाई? प्राइमरी में ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी पढ़ाने की क्या जरूरत है? भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं,
वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक नॉलेज है वेद विज्ञान, वो वेद विज्ञान नहीं पढ़ा रहे। पहले आप वेद विज्ञान पढ़ाइए प्राइमरी में, प्राइमरी में आप उसको स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाइए, शरीर की कैसे काम करता है, मनोविज्ञान पढ़ाइए, अष्टांग योग पढ़ाइए, यम नियम धारणा ध्यान समाधि वो सीखे, योग विज्ञान पढ़ाइए, वेद विज्ञान पढ़ाइए। पांचवीं तक यानी 11 साल तक या 12 साल तक बच्चा, उसको दुनिया भर के फालतू सब्जेक्ट मत पढ़ाइए, पहले वो तन मन से स्वस्थ हो जाए, पहले वो ईमानदार हो जाए, वो सच्चरित्र हो जाए, वो एक आज्ञाकारी पिता बन जाए, आज्ञाकारी पुत्र बन जाए, वो एक अच्छा भाई पहले बने, अच्छी बहन बने, पहले उसके अंदर वो संस्कार तो आ जाए जो एक अच्छे भारतीय के संस्कार होते थे, वो करने की बजाय ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो सुबह से लेकर शाम तक वो यही कैट डॉग बिल्ली कुत्ता यही इसी में लगा हुआ है। और इसी संविधान के रहते हुए उसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि सेकुलरिज्म की आजकल खूब बात होती है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भारत तो सेकुलर देश है तो वेद पुराण कैसे पढ़ा सकते हैं। भारत का संविधान कहता है भारत के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, यह संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 351 कहता है देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। महात्मा गांधी भी यही कहते थे, हिंदी सबको आनी चाहिए तभी भारत जुड़ेगा, ऐसा वो कहते थे। जब संविधान कहता है तीन भाषा सबको पढ़ाना चाहिए और तीन भाषा पढ़ाया जा भी रहा है, आज की डेट में प्राइमरी में हिंदी पढ़ाई जाती है आपके यहाँ, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, और चलो मान लिया भारत में सेकुलर शब्द जुड़ गया इसलिए भारत सेकुलर हो गया। वैसे सेकुलर का मतलब वो होता नहीं जो हम लोग सोचते हैं, सेकुलर का मतलब कुछ और होता है। तो जब भारत में संस्कृत पढ़ाना ही है तो प्राइवेट पब्लिशर की क्यों किताब पढ़ाना, हम क्यों नहीं, हमारा वाल्मीकि रामायण और वेद संस्कृत में है, हम उसी को आए जे संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाने के लिए उसी को लगा दे। भाई संस्कृत भाषा पढ़ाना है कि नहीं, संविधान कहता है संस्कृत पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, जरा जोर से बोलिए, बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो जब बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना, जब हमारे पास चारों वेद है, हमारे पास उपनिषद है संस्कृत में, हमारे वेद संस्कृत में है, हमारा भगवत गीता संस्कृत में है, हमारा वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तो क्यों नहीं हम वेद पुराण और वाल्मीकि रामायण पढ़ाते संस्कृत में। जहां तक सेकुलर की बात है, वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है तुम हिंदू बनो, जहां तक सेकुलर की बात है भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है तुम हिंदू बनो, जहां तक सेकुलर की बात है वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ हिंदू बनो। तो जब भाई सेकुलर, जो सेकुलरिज्म का आजकल रोना रोने वाले या ढोंग पीटने वाले कहते हैं कि नहीं नहीं आप धार्मिक ग्रंथ कैसे पढ़ा सकते हैं, अरे वाल्मीकि रामायण में लिखा ही नहीं है, हाँ कुरान में लिखा है कि तुम मुसलमान बनो, बाइबल में लिखा है तुम ईसाई बनो। तो लैंग्वेज के रूप में बाइबल नहीं पढ़ाई जा सकती, एक लैंग्वेज के रूप में कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वेद पुराण वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जा सकता है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। तो प्राइवेट किताब चलाने की बजाय अगर हम प्राइमरी में वेद पुराण लगा दें तो बच्चा हमारा संस्कृत भाषा भी सीख लेगा और यम नियम भी सीख लेगा, अभी वेद मंत्र हुआ इसको भी सीख लेगा, सबसे प्रेम करना भी सीख लेगा, और केवल हिंदू का बच्चा नहीं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन सब पे लागू होता है, राइट टू एजुकेशन तो सब पे लागू होता है। तो
तो वो बच्चा हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या पारसी का हो या ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, केरल का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, लक्षद्वीप का हो, गुजरात का हो या सिरोही का हो, सारे बच्चे वेद मंत्र सीखेंगे तो सब आपस में भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। जब सारे बच्चे कहेंगे वनस्पति शांति तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं। इसलिए मैंने कहा था जब तक बबूल नहीं निकालोगे तब तक भाई आम का पेड़। इसलिए बेटर ये है प्राइमरी में संस्कृत लैंग्वेज के रूप में, और ये मैं संविधान के दायरे में रहते हुए तरीका बता रहा हूँ।